हाय एवरीवन, आई एम सिल्पनी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। इस ब्लॉग में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैंने घर पे रहकर हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट किया और कैसे उन्हें सरप्राइज दिया वो सब। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा वीडियो और अपने हस्बैंड को सरप्राइज करने का ईजी आइडिया भी मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो बहुत सारा प्यार देना इस वीडियो को, और वीडियो देखने के बाद जल्दी से जाके वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के ब्लॉग में मैं और कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसलिए। और देखिए, यहाँ पे मैं पहले दिन रात को एक केक बेक करने के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, जो कि वो मिडनाइट को यानी कि रात के 12 बजे कट करेंगे। और क्योंकि मैं कुछ सरप्राइज प्लान की हूँ और वीकडे भी है, तो मिडनाइट को केक कट करने से उन्हें लगेगा कि यही था बर्थडे सेलिब्रेशन, और सरप्राइज के बारे में उन्हें कुछ आइडिया भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं एक सिंपल वाला केक बना रही हूँ, मैदा वाला, जो कि हम नॉर्मली भी घर पे बनाते हैं। और यहाँ पे सारा चीज़ को मेजर के साथ डाल दी हूँ मैं और अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, और अब केक पैन में डाल दे रही हूँ उसे और बेक कर ले रही हूँ। उनका बर्थडे जो है इस बार ट्यूसडे पे था, तो ऑफिस जाना होता है उस दिन, और वो 8:15 तक ऑफिस के लिए निकल जाते हैं घर से। तो जब वो ऑफिस के लिए निकल गए घर से, तो मैं घर का बाकी काम थोड़ा सा ख़त्म करके सरप्राइज का प्रिपरेशन में लग गई हूँ। और क्योंकि वो ऑफिस से 5 बजे तक आ जाते हैं घर, तो उनके आने से पहले सब प्रिपेयर करके रख लेना है मुझे। तो फर्स्ट सरप्राइज जो है उनका फेवरेट खाना कुछ कुछ बनाऊंगी मैं। और अब मैं चिकन बिरयानी से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, और बिरयानी बना के थोड़ा टाइम रख लेने से उसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है। चिकन को मैं रात से मैरिनेट करके रखती थी। अगर आप भी बिरयानी बना रहे हैं तो ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको स्किप ना करें। यहाँ पे मैं एक साइड पे चिकन को प्रिपेयर कर ले रही हूँ और एक साइड पे राइस को थोड़ा हाफ बॉईल कर ले रही हूँ। अब हमारा बिरयानी रेडी हो गया है, तो मैं उसे कवर करके साइड में रख दे रही हूँ, उसको फ्लेवर आने के लिए छोड़ दे रही हूँ। उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेके क्रिस्पी को थोड़ा ऑयलिंग कर दी और उसको बाद दे दी। और अब वो खेल रही है थोड़े टाइम के लिए, तो मैं अपना घर का बाकी सारा काम थोड़ा थोड़ा कर ले रही हूँ। और फिर दोपहर को जब वो सो गई, तो अब मैं फिर से कुकिंग स्टार्ट कर दी हूँ और बाकी का सारा आइटम जो है वो बना ले रही हूँ। और आप सबको भी मैं लास्ट को दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं बना रही हूँ।
एक बार ये सब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या आइटम सब बनाई हूँ। बच्चे के साथ करना मतलब ब्रेक ले लेके करना बीच बीच में, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके सारा काम करना, फिर उसको छोड़ के पूरा टाइम तो किचन में नहीं रह सकते, तो इसके साथ भी बीच बीच में थोड़ा खेलना पड़ता है। तो ऐसे करके सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं इवनिंग को कट करने के लिए एक और केक बना रही हूँ, और यहाँ पे मैं रेड वेलवेट केक बना रही हूँ। तो अब चलते हैं, केक को थोड़ा शेप दे देते हैं और उसके ऊपर थोड़ा शुगर सिरप डाल दे रही हूँ सोक करने के लिए। और अब चलते हैं, थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर लेते हैं केक को। उनके आने से पहले जल्दी से जाके थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं और उन्हें सरप्राइज देते हैं। ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं की हूँ, सिंपल ही रखी हूँ सब। तो आप लोग भी देख लीजिए कैसा है यहाँ पे सब। साथ में मिलके केक कट करने के बाद फिर मैं डिनर के टाइम पे थोड़ा सा तंदूरी चिकन प्रिपेयर कर ले रही हूँ। और ये रहा आज का बर्थडे सरप्राइज डिनर, जिसमें मैं उनका सारा फेवरेट चीज़ बनाई हूँ, और जिसमें है तंदूरी चिकन, चिकन बिरयानी, बटर चिकन एंड पेपर चिकन। तो ऐसे करके आप सब भी अपने हस्बैंड के लिए या फिर फैमिली मेंबर के लिए सरप्राइज प्लान कर सकते हैं इजीली, बिना किसी के हेल्प लिए और बिना बाहर जाए, और उनको खुश कर सकते हैं उनके स्पेशल डे पे। वीकेंड पे संडे को हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट पे, और ये है उनका बर्थडे ट्रीट। एक्चुअली बर्थडे के दिन लंच के टाइम पे वो कॉल करके मुझे बोले थे कि आज इवनिंग को रेडी रहना, ऑफिस से आने के बाद हम लोग डिनर पे चलेंगे बाहर। तो मैं तो यहाँ पे बर्थडे सरप्राइज प्लान की थी, खाना भी बना रही थी कुछ कुछ, तो मैं बहाना बना दी थी और बोल दी थी कि वीकेंड पे चलेंगे करके। यहाँ पे एक यूरोपियन विलेज है जहाँ पे यूरोप के स्टाइल में घर सब बना हुआ है, और वहाँ के डिज़ाइन में रेस्टोरेंट सब है, तो आज हम लोग वहाँ पे आए हुए हैं। अब हम लोग खाना ऑर्डर किए हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम रेस्टोरेंट पे बच्चों को ड्राइंग शीट और क्रेयन दे देते हैं कलर करने के लिए, और बच्चों को तो कलर करना अच्छा लगता है, तो वो लोग भी एंजॉय करते हैं और बिजी भी हो जाते हैं। Thank you.
फिर लंच के बाद अब हम लोग थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं और यहाँ पे घूम के देख रहे हैं कि यूरोपियन स्टाइल में कैसा होता है घर सब, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का तो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन रहता है। तो चलिए अमेरिका में घूम लेते हैं यूरोपियन विलेज थोड़ा सा। और इसी के साथ मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, और जल्दी से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत बहुत प्यार दीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और जितना हो सके उतना शेयर करना। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।